गलत बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेना उनकी आदत हो गई है, गलत थोथरी करते हैं। असल क्या है कि सुशील मोदी को पढ़े लिखे तो है नहीं, दिक्कत ये क्या है कि वो पढ़ते नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को देखते हुए आज जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है तो ऐसे में तमाम जितने विपक्ष के नेता हैं वो सभी धीरे धीरे करके विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। जितने विपक्षी खेमे हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खां। तस्वीर देखिए किस तरीके से मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के परिसर में, जहां पर वो कह रहे हैं कि सुशील मोदी गलत हेथरी करते हैं। अगर आप बिहारी भाषा को जानते हैं तो आप जानते हैं बातों को काटना या बेफजूल की बातों को करना एक तरह से गलत हेथरी कहा जाता है। वही वो कर रहे हैं शकील अहमद खां, क्या कुछ कर रहे हैं जरा सुनिए। मिट्टी का चूल्हा और सब लेकर आए हुए, क्या सब दिया बचा? और तो कुछ बचा नहीं, और तो भारतीय समाज के पास, गरीब समाज के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बिहार सरकार ने कौन सा रास्ता छोड़ा हमारे सामने? पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई, डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई, दूसरे पड़ोसी देशों में इतनी कीमतें नहीं हैं, कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद इतनी महंगाई हो रही है, गैस का चूल्हा हम खरीद नहीं पा रहे हैं, गैस हम खरीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या बचा बताइए, आप ही लोग बताइए। भेंट करने वाले हैं क्या किसी को? हम तो चाहेंगे भेंट कर दें हम इस सरकार को, इसको रखिए और यही बांटिए। सुशील मोदी तो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की अगर तुलना, झूठ बोलते हैं। असल क्या है कि सुशील मोदी को पढ़े लिखे तो है नहीं, दिक्कत ये क्या है कि वो पढ़ते नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ते, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, और दुनिया में क्या कीमतें हैं। अच्छा, भूटान की कीमत उनको समझ में नहीं आती, बांग्लादेश की कीमत उनको समझ में नहीं आती, नेपाल की कीमत उनकी समझ में नहीं आती, तो गलत बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेना उनकी आदत हो गई है, गलत थोथरी करते हैं वो। तो आपने सुना शकील अहमद खां क्या कुछ कहे थे आज जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आनी है 22 फरवरी को, तो ऐसे में अब जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए। विपक्षी खेमा जो है एकजुट है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है आज देर शाम को। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा के परिसर में आप तस्वीर देख सकते होंगे, वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से मुकेश रोशन जो कि महुआ के विधायक है आरजेडी के, वह साइकिल से पहुंचे हैं बिहार विधानसभा, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। विरोध करने का सबका अलग अलग तरीका है। एक तरफ जहां शकील अहमद खां मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंचे हैं, वहीं मुकेश रोशन जो कि आरजेडी के विधायक हैं वो साइकिल चलाकर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से आए साइकिल चलाकर। आपने तस्वीरें दोनों देखी हैं, विरोध जताया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि अभी जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसके बाद फिर विपक्षी खेमा जो है आने वाले और दिनों में क्या कुछ कहता है, क्योंकि बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों ने कहीं ना कहीं आम लोगों की जो मुसीबतें हैं बढ़ा दी हैं, आम लोगों के जेब पर काफ़ी बोझ पड़ गया है। तो ऐसे में साफ है विपक्षी खेमा एकजुट है, सरकार को घेरने की तैयारी है, और पूछा जा रहा है कि पेट्रोल जब 100 के पार होता जा रहा है तो ऐसे में सरकार चुप क्यों है, क्यों अन्य देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम है, क्यों हमारे देश में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है ज़्यादा है, रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर के नाराजगी आम लोगों में भी है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।